अब तक आप लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट से कैसे मोबाइल फ़ोन परचेस कर पाएंगे, यानी कि फ्लिपकार्ट से हम लोग नया मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं, लेकिन आज आप जानिए कि आप अपने पुराने मोबाइल फ़ोन को फ्लिपकार्ट पर कैसे बेच सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी है ना तो भी आप फ्लिपकार्ट को बेच सकते हैं और आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं कोई प्रोडक्ट और आपके घर पर आ जाता है, उसी प्रकार से आप सेल के लिए रिक्वेस्ट फ्लिपकार्ट को देते हैं और जो उनका एग्जीक्यूटिव रहता है, जो भी जिस तरह से कुरियर पार्टनर होते हैं, वो आते हैं और जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन को वो पिकअप करेंगे वैसे ही आपका पैसा आ जाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं अगर ख़राब होता है तो आप लोग रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं। अब रिटर्न में क्या होता है कि पिकअप किया जाता है और जैसे ही पिकअप होता है वैसे ही आपका रिफ़ंड इनिशिएट हो जाता है, अगर आप रिप्लेस नहीं चाहते हैं, रिफ़ंड चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग जो है पुराने मोबाइल फ़ोन को बेचने के लिए रिक्वेस्ट देंगे फ्लिपकार्ट को और फ्लिपकार्ट आपके घर पर आदमी भेजेगा, वहाँ पर मोबाइल चेक करके उसके बाद वो पिकअप कर लेगा और पिकअप करने के बाद जो भी मोबाइल फोन का वैल्यू रहेगा वो आपको मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। तो आइए बताता हूं कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के द्वारा ये सेल कर सकते हैं अपने पुराने मोबाइल फोन को। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आप लोग यूज करते ही होंगे, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, मेक श्योर होइएगा कि आपका अकाउंट इसमें लॉग इन होना चाहिए। यहां पर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा ना तो यहां पर होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा जो कि स्लाइड करोगे तो सेल ओल्ड फोन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करती हैं यहां पर दो ऑप्शन मिलता है जो कि एक सेल ओल्ड फोन और दूसरा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है तो आपको मालूम ही होगा कि जैसे कोई नया मोबाइल फोन आप परचेस करती हैं और मानकर चलो कि ये पुराने मोबाइल फोन को आप देना चाहती हैं तो इसका जो भी वैल्यू फ्लिपकार्ट देगा ना उतना वैल्यू जो है नए वाले मोबाइल फोन पर डिस्काउंट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए का नया मोबाइल फोन परचेस करती हैं और कोई पुराने मोबाइल फोन आपके पास है जिसका वैल्यू 2,000 रुपए फ्लिपकार्ट दे रहा है तो नए वाले की कीमत मात्र 8,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा और जब वो मोबाइल फोन लेकर आएंगे ना उसी समय आपका पुराने वाले मोबाइल फोन को पिकअप कर लेंगे एक्सचेंज में। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सिंपल से सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उनसे नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप सेल कर रहे हो यानी पुराने वाले मोबाइल फोन उनको बेच रहे हो। मात्र 3 इजी स्टेप बताया गया है जो कि आप सेल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपने फोन का जो भी डिटेल रहेगा वो उनको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उनका एग्जीक्यूटिव आएंगे और मतलब वो फोन वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद वो पिकअप कर लेंगे। जैसे ही आपका पिकअप होता है वैसे ही आपको इंस्टेंटली जो है पैसा मिल जाता है जो कि पेड इंस्टेंटली लिखा गया है, जो कि आपका प्रीपेड जो पेमेंट मोड रहेगा उसमें आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अप टू 80,000 रुपये तक आप लोगों का मोबाइल फ़ोन की वैल्यू दिया जाएगा। यह डिपेंड करता है कि कौन से मोबाइल फ़ोन आप सेल कर रहे हैं। डोर स्टेप पिकअप होगा, मतलब घर पे वो पिकअप करके जाएंगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भैया ये मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेफ़ एंड सिक्योर सारे चीज़ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और यहाँ पर जितने भी ब्रांड है मोबाइल फ़ोन का सब यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सेल डेड फोन, यानी कि अगर आपके पास डेड फोन है ना तो उसे भी आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या कर लेना चाहिए मोबाइल फोन सेल करने से पहले, तो बताया गया है कि डू ए डाटा बैकअप एंड क्लीन योर फोन, यानी कि आप लोग डाटा का बैकअप बना लीजिए और फैक्ट्री डाटा रिसेट वगैरह मार दीजिए। उसके बाद IMEI नंबर वगैरह चेक कर लीजिए और यही IMEI नंबर का फोन आपके पास होना चाहिए जो आप डिटेल देते हैं, सब कुछ बताया गया है और नीचे में एक्सचेंज ऑफर भी बताया गया है। तो अगर आप मोबाइल फोन सेल करना चाहते हैं तो ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है सेल योर फोन और नीचे में ही ऑप्शन मिल जाता है सेल डेड फोन। तो डेड फोन भी सेल करना चाहते हैं तो जस्ट आप सेल पर क्लिक करेंगे, ऊपर में देखिए यहां पर जो है सेल ओल्ड फोन आ गया है ऑप्शन। उसके बाद देखो कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, पहले आप प्रोसेस देख लीजिए। कोई भी मोबाइल फोन अगर सेल करना है, जैसे यहां पर कोई मॉडल है ब्रांड है तो आप यहां पर सिंपल से सर्च कर देंगे, जैसे रेडमी का फोन है तो रेडमी आप सर्च कर देंगे, उसके बाद जो भी मॉडल रहेगा रेडमी का आपको यहां पर दिखाई दे देगा। जैसे मैंने रेडमी नोट 5 प्रो यहां पर सर्च कर लिया है, उसके बाद बोलता है कि आप IMEI नंबर दर्ज करो, जो आपका रेडमी का या फिर कोई भी फोन आप सेल में डाल रहे हो उसका IMEI नंबर दर्ज करो। तो भैया ये IMEI नंबर निकलेगा कैसे, तो सिंपल से आप डायल पैड में जाइएगा और उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा स्टार हैश 06 हैश,
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का जो IMEI नंबर रहता है वो दिख जाता है, और यही IMEI नंबर आपको दर्ज करना होता है, जो कि दो IMEI नंबर रहता है अगर दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप यही IMEI नंबर जो कोई एक दर्ज कर दीजिएगा, जो कि सिम वन का दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है, जस्ट आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेल का वैल्यू कितना दे रहा, तो 2000 रुपये दे रहा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड का फ़ोन है और कौन सा मॉडल है, ज़्यादा पुराना मॉडल है तो उसका आप लोग समझ ही सकते हो। जस्ट यहां पर जो है नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर वैल्यू बताया गया है कि देखिए कम से कम अगर पुअर कंडीशन में रहता है तो 450 रुपए देंगे, अगर एक्सलेंट कंडीशन में रहता है तो 2000 रुपए देंगे आपके फोन का। और ज्यादातर लोग जो है 1850 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, मतलब वो चेक करेंगे ना तो कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत हो ही जाता है। मैं कई बार एक्सचेंज वाला में भी देख चुका हूं और वो जल्दी ले नहीं जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन इनको खरीदना है तो भाई ये ले जा सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू है जो थोड़ा सा कम बेशी जो बताया गया है ना, जैसे इससे ज्यादा और इससे कम हो सकती हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आप किस चीज में पैसा प्राप्त करना चाहती हैं, क्या आप फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में प्राप्त करना चाहती हैं या बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहती हैं। अगर बैंक अकाउंट में करना चाहती हैं तो सिंपल से बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से फ्लिपकार्ट पर बैंक अकाउंट दिए हुए हैं तो बैंक अकाउंट नंबर यहां पर दिख जाएगा कि यह बैंक का अकाउंट नंबर है। अगर नया बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो एड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो पिकअप का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। अगर बदलना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करके आप बदल सकती हैं, जिस तरह से डिलीवरी के लिए एड्रेस देती हैं उसी प्रकार से। यहां पर कब पिकअप किया जाएगा, तो 12 जून को पिकअप कर लिया जाएगा। ₹1 पिकअप का चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे बताया गया है कि अगर आपका फोन कैंसिल हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो ये जो आपका पिकअप चार्ज है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। देखिए अब ये कैसे काम करता है, यहां पर बताया गया है कि क्या क्या चेक किया जाएगा। तो देखिए आपका जो पैसे रहते हैं फोन का, वो जो इनका एजेंट रहता है जब फोन लेने आएंगे उस समय चेक करेंगे, उस समय वैल्यू पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कितना मिलेगा। और उनका कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, ऐसा तरह के मैं देख चुका हूं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर नो स्क्रीन या बॉडी डैमेज, नो फंक्शनल इशू, कोई भी इशू अगर नहीं है, बॉक्स और चार्जर वगैरह है, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, मतलब पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे एक्सलेंट कंडीशन में। जिसमें आप देखेंगे कैमरा जो है वर्क नहीं कर रहा, बॉक्स और चार्जर मिसिंग है, तो 10-40% ड्रॉप हो सकते हैं बैलेंस, जो बताया गया है वैल्यू उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुड यानी स्क्रीन क्रैक रहेगा, बॉडी डैमेज रहेगा, कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो 30-60% तक ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद ओके कंडीशन में रहेगा, जैसे मल्टीपल मेजर इशू रहेगा या फंक्शनल इशू रहेगा, कैमरा काम ही कर रहा होगा, स्क्रीन या बॉडी डैमेज रहेगा, चार्जर और बॉक्स मिसिंग रहेगा, तो 45-90% तक ड्रॉप हो सकता है, जो कि आप देख सकती हैं। नीचे में इन्होंने लिखा है कि रिजेक्ट एक्सचेंज में हो सकता है, जो कि यहां पर स्विच ऑन और ऑफ अगर आपका फोन नहीं होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंट अगर मॉडल रहता है, IMEI मैच नहीं करता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखो जो एक्सचेंज में रहता है कॉपी पेस्ट वही यहां पर डाल दिया गया है, लेकिन इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डेड वाले फोन भी हम ले जाएंगे। अब समझ जाओ कि उसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, 100-200 रुपए, 300 रुपए। चलो यहां पर बताया गया है कि 20-30 मिनट तक ये आपके फोन को चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर उस उतना तो करते नहीं है, कम समय में ही आपको बता देती हैं। उसके बाद आप जो है कम से कम 50% यहाँ पर चार्ज रखिएगा, साथ ही साथ स्क्रीन का जो गार्ड रहता है लगाए हुए रहते हैं शीशा, वो रिमूव करके रखिएगा। अगर कोई इशू नहीं रहता है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में रहता है, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू रहता है, जैसे मुझे 2000 रुपये बताया गया कि मिलेगा, तो ये 2000 रुपये दे दिया जाएगा। और जब पिकअप किया जाएगा ना, उसके 24 घंटे के अंदर ये क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप बैंक डिटेल गलत डालती हो तो ये गिफ्ट कार्ड में आपको बैलेंस दे देता है। तो अगर आपको सेल करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके यहां पर कंफर्म एंड सेल पर क्लिक करेंगे। जब आप कंफर्म एंड सेल पर क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद ये ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखा देता है और जिस दिन का पिकअप डेट रहेगा उस दिन पिकअप कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया, अब ध्यान से सुनिए। देखिए जो आपका फोन का वैल्यू लगाया जाता है उतना लगभग लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकाल ही देते हैं आपके फोन में। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा आपका वैल्यू कम हो जाए। अब एक मन ऐसा करेगा आपका कि मैं इस मोबाइल फोन को बेचूं ही ना, या फिर एक्सचेंज ही नहीं करूं, ठीक है। तो इस तरह के देखने को मिला है, जो कि इससे पहले भी मैं एक्सचेंज पर डिटेल में वीडियो दे चुका हूं कि वो लोग आते हैं किस तरह से चेक करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं भी होता है, फिर भी वहां पर वो लोग पिकअप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरा रिस्क हम पर रहता है और कुछ ना कुछ वो
मतलब अगर ठीक भी रहता है तो कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ी फ़ोन में निकाल देते हैं और कहते हैं कि भैया इतना में देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती है। अब देखो आप लोग जो है ऐसा नहीं कि सेल करने लगो, आप पहले देखो अगल बगल में अगर बिक रहा है अच्छा प्राइस में तो आप उसे बेच दो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बिक रहा, आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्लिपकार्ट पर ही सेल करना है, तब आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। एक और बात कि अगर आपका मोबाइल फोन डेड है तो भी यहां पर बोला गया है कि आपका मोबाइल फोन लिया जाएगा, सेल आप कर सकते हैं। लेकिन आगे आपने देखा कि अगर आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो इसको लेकर ना एक बार कस्टमर केयर से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आपको कस्टमर केयर वाले क्या कहते हैं, जो कि सेल करने से पहले। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर कुछ बताने को रह गया होगा या फिर कुछ जानने को है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।